स्टूडेंट्स में डिफरेंस तो होता ही है, ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स में डिफरेंस होता है। सर आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, कैसे भी कराओ हमें कोई मतलब नहीं है। एलन में टीच कर रहा था, एलन कोटा, तो वहां का एक सिंपल मेथोडोलॉजी होता है कि सर आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, कैसे भी कराओ हमें कोई मतलब नहीं है, आपको सिलेबस की डेडलाइन है, अगर 30 मान लीजिए ज्यूम करते हैं 1 अप्रैल को बोर्ड स्टार्ट होते हैं या 20 मार्च को बोर्ड स्टार्ट होते हैं, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है फैब मिड फैब तक, हमें कुछ नहीं पता, आप एक्स्ट्रा क्लास दो, हमें बस सिलेबस कंप्लीट करा के दे दो। उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं होता ऑनेस्टली, कभी आप मिलना किसी आकाश स्टूडेंट या एलन स्टूडेंट से, उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं होता कौन वीक है कौन स्ट्रांग है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स में डिफरेंस तो होता ही है, ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स में डिफरेंस होता है। कोई बच्चा चीज को एक बार में कैच कर लेता है, कोई बच्चा शायद 2 या 3 बार में कैच करे, किसी बच्चे के 10th में 92% आए होंगे, मेरे जैसे के किसी के 67-68% भी आए होंगे और पापा से जिद करके साइंस दिला दी। तो मार्क्स का भी डिफरेंट होता है, तो हर चीज डिफरेंस है, तो उनका एक ही मोटो होता है कि सिलेबस कंप्लीट करना। फिर मैंने 2019 के एंड में स्कॉलर्स में ज्वाइन किया था सुधांशु सर को, तो यहाँ पे मुझे जो डिफरेंस फील हुआ ऑनेस्टली, तो मुझे रियलाइज हुआ था कि टीचिंग जो एक प्रोफेशन है वो लगभग एक भगवान जैसा प्रोफेशन है, हम बच्चे का करियर बनाते हैं, डेवलप कराते हैं, उसकी पूरी जिंदगी उस करियर पे चलती है, एक नीट एग्जाम पे या एक जेई एग्जाम पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एकदम जीरो से स्टार्ट करें और 100 तक लेके जाएं, तो हमेशा कंसेप्ट जीरो से ही स्टार्ट होता है। बच्चा 9th-10th में, सर ने एकदम सही बात बोली है, 9th-10th में बच्चा पढ़ के आता है, जनरली एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बायोलॉजी का लेना चाहूंगा, सब बच्चों ने अपने मम्मी पापा से सुना होगा रात में पेड़ में पानी नहीं देते, लेकिन शायद ही एक आध बच्चे ने अपने पापा से पूछा हो पापा क्यों नहीं देते पानी रात को पेड़ में, है ना। तो रिशद हंस रहा है, रिशद को पता है, ये 10th में भी पढ़ा हुआ है हमारे साथ। तो जनरली रात को सनलाइट नहीं आती तो पानी पेड़ में ऊपर तक जाता नहीं है, लीफ तक, तो लीफ तक जाएगा नहीं तो वो मिट्टी में ही पड़ा रहेगा, तो इसीलिए पानी दिन में देते हैं जनरली। तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है जो 9th-10th में हो चुके हैं, लेकिन बच्चा 9th-10th में जनरली 90% स्टूडेंट बस रट के स्टूडेंट्स मार्क्स लिए आते हैं, उसमें खुश रहते हैं, और सच्चाई भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, यही सच्चाई है और सही भी है, लेकिन हाँ कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो यू विल क्वालिफाई नीट एग्जाम और जेई एग्जाम। ठीक है, यही मुझे लास्ट बात बोलनी थी।